कार्यालय के चीफ रीजनल मैनेजर श्री जीके बंसल साहब। बंसल साहब, स्वागत है आपका हमारी 90.8 FM जालौन में। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप जानते हैं भारत सरकार का उपक्रम है साधारण बीमा निगम। बंसल साहब से हम जानना चाहेंगे आपसे कि साधारण बीमा क्या है, अगर आम भाषा में आम जनता को आप समझाना चाहें तो कैसे हम बताएंगे कि साधारण बीमा किसे कहते हैं? साधारण बीमा हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, आजकल भारत में दो तरह की इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, एक साधारण बीमा है और एक जीवन बीमा कंपनियां है। साधारण बीमा कंपनियां सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सभी बीमा करती हैं, और जो जीवन बीमा कंपनी है वो आदमी की लाइफ का, जिसमें नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ दोनों कवर होती है। हम लोग एक्सीडेंटल डेथ कवर कर सकते हैं, केवल नेचुरल डेथ को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जितने भी तरह के बीमे हैं, चाहे घोड़ा गाड़ी के हैं, फैक्ट्रियों के हैं, हेल्थ के हैं, पर्सनल एक्सीडेंट है, सभी तरह के जो बीमे हम करते हैं, तो वो सारे बीमे जो करने वाली कंपनी है वो साधारण बीमा कंपनी कही जाती है। तो साधारण बीमा में किस किस प्रकार की चीजें कवर होती हैं, और अगर थोड़ा डिटेल में कहें तो कौन किस किस के तरह के जोखिम जो है हम उसमें सारी चीजें कवर कर पाते हैं? देखिए, हर तरह का प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें किस तरह की रिस्क हो सकती है। किसी व्यक्ति को अनहोनी किन बातों की हो सकती है जिसके कारण से वो अपनी जिंदगी में तकलीफ पा सकता है, जैसे कि मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी के चलने से दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने से एक तो गाड़ी का नुकसान हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो अपनी गाड़ी का नुकसान को हम ओडी इंश्योरेंस बोलते हैं, ऑन डैमेज इंश्योरेंस, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बोलते हैं। ऐसे हेल्थ का इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और जितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में बहुत तरह तरह की बीमे हैं, फायर इंश्योरेंस है, चोरी का बीमा है, WC है, प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल पॉलिसी है, हॉस्पिटल्स के लिए पॉलिसी है, इवन आपका कोई अपने स्पेशल कंटिजेंसी पॉलिसी चाहते हैं जो कि हमारे पर डिजाइन नहीं है, और उस व्यक्ति को चाहता है कि मेरा ये रिस्क है सब, इसको कवर करना है, तो उसके लिए भी हम स्पेशल कंटिजेंसी पॉलिसी बना सकते हैं। हवाई जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, कोई पिक्चर बना रहा है उसके लिए भी हम लोग, इवन आपको टेस्ट मैच हो रहा है, इन सभी के लिए हमारे पास में कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि जैसे भारत में बीमा कंपनियां बहुत सारी काम कर रही हैं, लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एक कंपनी है, एक ब्रांड है अपने आप में, तो दूसरी बीमा कंपनियों से अपने आप को कैसे अलग रखता है? क्या उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी क्या एक यूनिक पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट क्या है उसका? देखिए मैम, हर कंपनी अपनी अपनी अच्छी बातें रखती हैं। जब इंश्योरेंस कंपनियां शुरू हुई और बाद में हम जब नेशनलाइज हुए, तो उस समय हम चार इंश्योरेंस कंपनियां थी नेशनलाइज कंपनी में, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंडिया, न्यू इंडिया एंड ओरिएंटल। उसके बाद में आज की डेट में प्राइवेट काफी कंपनियां आ चुकी हैं, और ठीक है, मार्केट ओपन है, कॉम्पिटिटिव होना भी चाहिए। आज भी हम अपने सर्विसेज के कारण, हमारे एक्सपीरियंस के कारण, हमारा जो रैंक है पूरे भारत में नंबर दो स्थान पर हम लोग आते हैं। तो नंबर दो आने का मतलब है जरूर हमारी कंपनी की कुछ अच्छाइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं जिसपे हमारे जो चेयरमैन हैं उनका फोकस है, वो फोकस है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर हम लोगों को सर्विस अच्छी देंगे, फास्ट देंगे, तो बट नेचुरल है कि लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर हम उनके तकलीफ में खड़े हैं तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा, हमें प्रोडक्ट ऐसे देने होंगे जो कि उनकी लोगों की उपयोगिता के हों। आज हमने अपना जो हेल्थ का प्रोडक्ट है वो पब्लिक की उपयोगिता के अनुसार अच्छे से अच्छा बनाया है। और हेल्थ के प्रोडक्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट को अगर मैं इस बात से कहूँ कि हमारे जो दांत हैं वो खाने, हाथी के खाने के वाले दांत हैं, दूसरों के दिखाने वाले दांत हैं। तो खाने वाले और दिखाने वाले दांत में मैं जब कहता हूँ तो रेस्टोरेशन क्लॉज वगैरह ऐसी क्लॉजेज हैं जिनके भी अगर बारीकी से देखें तो हम उनको एक्चुअल में उनको रेस्टोर करते हैं। कभी भी रेस्टोर का मतलब बिना पैसे दिए उसको आगे और इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं, जबकि दूसरे कंपनियों के नियम के अंदर जो बातें लगी हुई हैं उसमें वो इतना हमको फायदा नहीं दे पाती है। तो हमारी कंपनी का पूरा प्रयास है कि हम सच्चाई के साथ में लोगों को अच्छे से अच्छा बीमा दें, सस्ता बीमा दें, और उसके बाद में जब भी उनकी क्लेम्स की बातें आती है तो उनको सर्विस दें। उदाहरण के लिए मैं देना चाहता हूँ, हमारा रीजन जोधपुर रीजन, जिसमें पूरा वेस्टर्न राजस्थान आता है, इस वेस्टर्न राजस्थान में हमारे करीब 53 ऑफिसेज हैं। हमने फास्ट सर्विस के लिए ओडी हब अलग से जोधपुर में बनाया, PP हब अलग से बनाया। मुझे गर्व है कि मेरा ओडी हब 94% क्लेम सेटलमेंट पे काम कर रहा है, जो एक बहुत प्राउड का मोमेंट है। हमारा पूरा रीजन 90% क्लेम सेटलमेंट तो फरवरी तक कर चुका है,
और मार्च में हम 95% क्लेम सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा पूरा फोकस है कि हमारे लोगों को सर्विस फास्ट मिले। हम लोग हेल्थ के अंदर जो टीपीए यूज करते हैं वो अच्छे टीपीए होते हैं जिनके सर्विसेज फास्ट हैं। हर टीपीए का सेटलमेंट रेशो 95% से ऊपर है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे हेल्थ में कोई भी क्लेम 15 दिन से पुराना पेंडिंग नहीं है आज की डेट में। आज अगर हमारे पास में 15 दिन से पुराना क्लेम हेल्थ का पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मुझे यकीन है कि जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उनका भी आपके ऊपर विश्वास होगा और जो भी बीमा वो चुनेंगे सूझबूझ के वो निर्णय लेंगे। एक जानकारी आपसे मैं लेना चाह रही थी कि हम सभी जानते हैं कि बीमा हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि बीमा के बारे में लोगों में अवेयरनेस की कमी है आज भी? बिल्कुल, आपका बहुत प्रश्न सही है। आज भी हमारे जो लोग हैं उनको बीमा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इसके बारे में जितना जितना तकलीफें आ रही हैं, कोविड आया तो कोविड ने हेल्थ के इंश्योरेंस के ऊपर जागरूकता कर दी, जो और भी बहुत सारी तकलीफें आती है, तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, हमारी भी मार्केटिंग टीम बढ़ रही है और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। इंश्योरेंस के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोटे आदमी से लेकर बड़े टाटा बिरला तक भी इंश्योरेंस एक अहम मुद्दा है, था, रहेगा। आज अगर बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज भी अगर चैन की नींद सोता है तो वो इंश्योरेंस के कारण होता है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा जो पैसा होता है जो जगह जगह से आया हुआ भी होता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस है, तो वो पीसफुली अपनी आगे गाड़ी चला सकता है, बड़े से बड़े जोखिम को भी झेल सकता है। छोटे परिवार में भी आप ये देखिए कि दुर्घटना बीमा पॉलिसी है और किसी के परिवार में कोई दुर्घटना कह के तो आती नहीं है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, उस परिस्थिति में सभी लोग बोलेंगे हम आपके साथ हैं। साथ का मतलब है वो आपके साथ तो होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से साथ बहुत कम लोग दे पाते हैं, और अगर उसका बीमा है तो आर्थिक जो संबंध मिलता है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। किसी का कोई फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री है, दुकान है, और कोई दुख तकलीफ आ गई, आग लग गई, चोरी हो गई, वो व्यक्ति अगर इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाता है तो दोबारा स्टैंड कर जाता है, अपनी जिंदगी में दोबारा से अपना काम कर पाता है। अगर बीमा नहीं है तो हो सकता है वो बीमे के बिना वो अपना जीवन में थोड़ा तकलीफ ज्यादा महसूस करे और उसको दोबारा से स्टैंड करने में तकलीफ आती है। तो मैं आप सभी के इस माध्यम से निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक लोग बीमा से जुड़े, बीमे को अपने पार्ट माने। ये छोटा सा जो खर्चा है आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी जो तकलीफ आती है वहां आपको बहुत मदद करता है और वापस से हमें अपनी जिंदगी में लाने में मदद करता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि बीमा सभी को करवाना है और सबको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम में हमको सपोर्ट करता है। इस प्यारे से लगने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है रेडियो 90.8 V1 स्टूडियो जालौर में। जी की बंसल जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे इस अल्प विराम से पहले कि कोरोना काल जो है अभी आया है, जिसने बहुत सारे जो जमी हुई मजबूत नींवें थी उन तक को हिला दिया, आर्थिक मजबूरी हमारे बीच में आ गई है। ऐसी स्थिति में आपकी बीमा कंपनी हमारे जो आम आदमी है उनके लिए क्या सुविधा है, कुछ नया क्या लेके आई है? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस माध्यम से कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। वैसे तो काफी बड़ी संख्या में जो आम आदमी भी है उस बात को महसूस कर गया है कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ गए हैं, जिंदगी में तकलीफें बढ़ गई हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, एक बार भी हॉस्पिटल में जाते तो लाखों रुपए का मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग अपने वहन कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी काफ़ी महंगाई में जो कमाई किया हुआ है उसमें से वो पैसा हमारा खर्च होता है। तो मैं आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना हेल्थ का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। हेल्थ इंश्योरेंस आप, उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर एक परिवार हमारे साथ में पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाता है तो ऑन एन एवरेज 10-1 हज़ार रुपए का प्रीमियम आता है। आप अगर हमारे को इस इंश्योरेंस कंपनी को, मैं कहता हूँ किसी भी कंपनी को, 20 साल तक भी पैसा देते हैं तो मोटे तौर पे आपने 2 लाख रुपए दिए, उस 2 लाख रुपए में से 80D की जो रिबेट है उसके अंदर 20-30% के स्लैब में आपको रिबेट मिल जाती है। 2 लाख रुपए में से अगर 30% रिबेट मिल जाती है तो 60 हज़ार रुपए तो आप टैक्स में भी भर रहे थे, आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है 1,40,000 रुपए की 20 साल के लिए। अगर हम 20 साल में 1,40,000 रुपए को इंश्योरेंस देकर, इंश्योरेंस कंपनी को देके हर वर्ष 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं, और ये मान के चलिए कि 20 वर्ष के स्पान में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिंदगी में कि परिवार के किसी भी सदस्य को 1 या 2 बार भी भर्ती होना पड़ जाता है हॉस्पिटल में, तो ये सारा खर्चा वापस मिल जाता है। और खुदा ना खास्ता बड़ी तकलीफें आती हैं तो वहाँ भी बीमा कंपनी आपके साथ खड़ी है।
तो मेरा निवेदन है आप सब लोग इसका फायदा उठाएं। इसमें मैं यूनाइटेड इंडिया का जो योगदान है वो ये कहना चाहूंगा, हमारी हेड ऑफिस की जो स्ट्रांग टीम है उन्होंने सभी पॉलिसियों को एनालाइज किया और कंपनी की पॉलिसीज को भी एनालाइज किया। आज की डेट में फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जो हमारी कंपनी की आई है वो और कंपनियों से भी बेहतर है, उसके कवरेज अच्छे हैं, रेस्टोरेशन क्लॉज जितनी अच्छी हमारी कवरेज है ऐसी किसी भी कंपनी की नहीं है। हमारी कंपनी की रेस्टोरेशन क्लॉज किस तरह से काम करती है जरा उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूँ कि हम लोग आज किसी ने 5 लाख रुपए का बीमा लिया और उसको केवल अगर 1 लाख रुपए का भी क्लेम आ जाता है तो हम ये वेट नहीं करते हैं कि आपका 5 लाख पूरा खत्म हो तब रेस्टोर करते हैं, हम तुरंत उसको 1 लाख रुपए से बढ़ा देते हैं। मतलब अगला कोई क्लेम उसी साल में दोबारा 5 लाख का आ जाए तो मेरी कंपनी उसको पैसा देने के लिए तैयार है। जबकि जो दूसरी कंपनियां हैं चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की भी दूसरी कंपनी है वो क्या करना चाहती हैं, मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी क्लॉजेस किस तरह से ऑपरेट हो रही हैं, वो बोलती हैं कि भाई अभी आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, पहले अभी 1 लाख का क्लेम आया तो अभी 4 लाख रुपए बचे हैं आपके, अगले अगर और 2 लाख का आ गया तो 2 लाख फिर बच गए आपके, उस 2 लाख के समय जो बचा हुआ है और सपोज उस समय 5 लाख का क्लेम आ जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी केवल 2 लाख रुपए पेमेंट करेगी, 3 लाख उस व्यक्ति को खुद भर्ती करना पड़ेगा, और 3 क्लेम के बाद में जब पैसा पूरा खत्म हो जाएगा तब वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं रेस्टोर करूंगी। तो आप मुझे बताइए जिंदगी में ऐसा कितनी बार होता है कि साल में 3-4 हजार क्लेम आते हैं किसी की जिंदगी में। हमारी कंपनी पहले दिन से कहती है कि आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने का भी क्लेम आ जाए, क्लेम आते ही उसको हम वापस से भर्ती कर देते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी क्लॉजेस हमने डाली हैं जो कि आम जनता के उपयोग की हैं। तो मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूं, हमारी कंपनी में जो पॉलिसी है वो हाथी के दांत खाने के दिखाने के नहीं है। प्रीमियम रेट भी कम है, हमारे जो टीपी है उनको हमने एंश्योर किया है कि वो फास्ट सर्विस करे, कैशलेस दे, तुरंत क्लेम को सेटलमेंट करे। ऐसी स्थिति में हम कोरोना काल के समय में भी, कोरोना से उभरे हुए समय में भी, जहां आज मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमा उभर के आ रहा है तो हेल्थ बीमा है। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरी कंपनी में एक पॉलिसी है प्लेटिनियम पॉलिसी। प्लेटिनियम पॉलिसी हम 35 साल तक की उम्र के आदमी को देते हैं और इस पॉलिसी का जो सबसे अच्छा अट्रैक्शन है कि डे वन से कवर है। ऐसी बहुत ही कंपनी में कोई पॉलिसी होती है जो डे वन से कवर देती है, हर पॉलिसी के अंदर आपको 1-2 साल का गैप लेना पड़ता है, वेटिंग पीरियड होता है, 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। हमारी पॉलिसी प्लेटिनियम पॉलिसी डे वन से कवर करती है और जो आदमी 35 साल की उम्र से प्लेटिनियम लेता है वो ता जिंदगी प्लेटिनियम पॉलिसी में रहता है और इसका प्रीमियम भी कम है, कवरेज अच्छे हैं। तो यूनाइटेड इंडिया हमेशा आम पब्लिक के लिए अच्छे से अच्छे कवरेज, कम प्रीमियम पे फास्ट सर्विस के साथ में आ रही है और यही कारण है कि हमारा ये रिटेल सेगमेंट बहुत उभरता बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, बहुत ही अवेयरनेस की बातें हैं जो हमको आगे निर्णय लेने में मदद करेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में। आपसे बातें यूं ही जारी रहेगी, आइए सुनते हैं गीत। इस गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आपने जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जीके बंसल जी। और जीके बंसल जी से हम पूछना चाहेंगे चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं आम श्रोताओं को कहना चाहूंगा बीमा आवश्यक है, बीमा को खर्चा ना माने, बीमा को एक आवश्यक अंग माने और ये ना सोचे कि हमारी जिंदगी में तो होता ही नहीं है, हमारे तकलीफ नहीं आती है। मैं चाहूंगा भगवान किसी की भी तकलीफ ना आए, सभी के काले टीके लगे रहें और हमारे बीमा कंपनी एक लगने के बाद में वो काला टीका बना रहे, लेकिन फिर भी एक अनहोनी कह के नहीं आती है, आप हम सबके साथ में बीमा कराएं और हमें खुशी होगी कि भी हम आपके पार्ट में आपके साथ जुड़ सके। आपको हम एश्योर करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वेस्टर्न राजस्थान में पहले से अग्रणी है, हम 53 ऑफिस लेकर के काम कर रहे हैं, जहां लोगों के कोई छोटे से ऑफिस भी नहीं है वहां हमारे डिविजनल ऑफिस हैं। तो इतना बड़ा सेगमेंट लेकर के शुरू से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे स्टूडियो रेडियो 90.8 FM में जालौर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मैं रेडियो V190.8 FM का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया और मैं आम जनता को अपनी बात, अपनी इंश्योरेंस कंपनी की बात कह सका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।